हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके लिए यहां पर एक न्यूज है। तीन कंपनियों की तरफ से यहां पर स्टॉक शिफ्ट का अनाउंसमेंट किया गया है, एक कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया गया है और दो कंपनियों की तरफ से यहां पर बायबैक ऑफ शेयर्स की न्यूज है। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लाइक अभी कीजिए और जो लोग आज हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खासकर जिन लोगों के पास अभी तक भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट हम करेंगे यहां पर सिस लिमिटेड से कंपनी स्टॉक शिफ्ट करने जा रही है। आईपीओ आया था, यानी कि शेयर मार्केट में यह कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में, लेकिन 2017 से लेकर आज के डेट तक कंपनी के शेयरों ने बिल्कुल भी यहां पर रिटर्न नहीं बना के दिए। सिर्फ 3% के रिटर्न्स बना के दिए इस कंपनी के शेयरों ने। और अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में भी इस कंपनी के शेयरों ने सिर्फ 18% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, वो 6544 करोड़ रुपए का है, लेकिन जो शेयर को एक रेटिंग मिलती है एक्सपर्ट्स की तरफ से बाय करने की, होल्ड करने की या फिर सेल करने की, तो इस शेयर को यहां पर बाय रेटिंग 60% मिल रही है। रेवेन्यू की दोस्तों अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर के बेस पर रेवेन्यू यहां पर ठीक बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले 5 क्वार्टरों से कंपनी का प्रॉफिट लगातार यहां पर गिर रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों अपनी स्क्रीन पे, मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 93 करोड़ रुपए का हुआ था, फिर जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 90 करोड़ रुपए का हुआ था, यानी कि 3 करोड़ कम हुआ था। और खासकर लास्ट क्वार्टर को अगर हम देखें यहां पर सीधा, तो -12 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, यानी कि अब ये कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से लॉस में चली गई है। फिलहाल दोस्तों कंपनी के शेयर प्रमोटर्स के पास, प्रमोटर्स की जो इसमें हिस्सेदारी वो 71% है और FIIs की यहां पर ठीक ठाक हिस्सेदारी है 16% और रिटेल यानी कि पब्लिक की हिस्सेदारी यहां पर 8% है। 21 मई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है और दोस्तों स्टॉक शिफ्ट पे ये बोर्ड मीटिंग होगी, यानी कि 21 मई को हमें पता चलेगा कि कंपनी किस रेशियो में स्टॉक शिफ्ट करने वाली है। फिलहाल कंपनी का शेयर मार्केट में 457 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों यहां पर सांगवी मूवर्स। कंपनी स्टॉक शिफ्ट करने जा रही है, शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, यानी कि आईपीओ आया था इस कंपनी का शेयर मार्केट में 2007 में, और 2007 से लेकर आज के डेट तक कंपनी के शेयरों ने 650% के रिटर्न्स बना के दिए। एक साल पहले जिन्होंने इस कंपनी का शेयर लिया तो उनके भी यहां पर 230% के रिटर्न्स बन चुके हैं। वही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5664 करोड़ रुपए का, आरओई यहां पर ठीक देखने को मिल रही है। कंपनी हल्का फुल्का डिविडेंड भी देती है और दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का 61 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के 47% शेयर्स है और प्रमोटर्स के पास भी 47% शेयर्स है, यानी कि हिस्सेदारी है। वही दोस्तों 16 मई को कंपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है और इस बोर्ड मीटिंग का पर्पस जो है वो स्टॉक स्प्लिट पे रहेगा, यानी कि 16 मई को हमें पता चल जाएगा कंपनी किस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट कर रही है। फिलहाल कंपनी का शेयर मार्केट में 1290 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसका नाम है यहां पर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। दोस्तों स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है ये कंपनी भी, आईपीओ आया था इस कंपनी का ठीक 4 साल पहले 2020 में शेयर मार्केट में, और 2020 से लेकर आज के डेट तक कंपनी के शेयरों ने ठीक ठाक रिटर्न्स बना के दिए 1470% के। एक साल पहले जिन्होंने इस कंपनी का शेयर लिया तो उनके भी यहां पर 43% के रिटर्न्स बन चुके हैं। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों कंपनी का वो 6665 करोड़ रुपए का है और दोस्तों आरओई ठीक है यहां पर, बाकी फंडामेंटल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। डिविडेंड भी देती है कंपनी हल्का फुल्का, और दोस्तों खासकर अगर हम बात करें प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे तो ठीक है, और लेकिन दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था वो यहां पर बहुत बढ़िया हुआ था 115 करोड़ रुपए का। प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है वो 53% की है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हिस्सेदारी 43% की है। फिलहाल दोस्तों कंपनी 9 मई को बोर्ड मीटिंग कर रही है और इस बोर्ड मीटिंग का जो पर्पस रहेगा वो स्टॉक स्प्लिट का रहेगा। 9 मई को हमें पता चल जाएगा कंपनी किस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट के शेयर्स देने वाली है। फिलहाल कंपनी का शेयर मार्केट में 1700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों उसका नाम है आशीर्वाद कैपिटल। ये कंपनी बोनस शेयर इश्यू करने वाली है, आईपीओ आया था 2002 में और 2002 से लेकर आज के डेट तक कंपनी के शेयरों ने 630% के रिटर्न्स बना के दिए। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो कंपनी के शेयरों ने 36% के रिटर्न्स बना के दिए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल छोटा है, 32 करोड़ की यह कंपनी है। रेवेन्यू दोस्तों पिछले 5 क्वार्टरों से कंपनी का लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी पिछले 5 क्वार्टरों से कंपनी का लगातार यहां पर बढ़ रहा है, देखने को हमें यही मिल रहा है। और वही दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहां पर 51% और रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी यहां पर 49% है। और दोस्तों कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है 10 मई को हमें पता चल जाएगा कि कंपनी किस रेशियो में बोनस शेयर्स इश्यू करने वाली है, यानी कि 10 मई को जो कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है वो बोर्ड मीटिंग बोनस शेयर्स को लेकर बैठ रही है। फिलहाल कंपनी का शेयर मार्केट में 5 रुपए 57 पैसे पे ट्रेड करा, आज अपर सर्किट में चला गया ये शेयर। वही दोस्तों अगला स्टॉक जो है ये
अजंता फार्मा लिमिटेड है, आपने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, फेमस कंपनी है ये। बायबैक करने जा रही है दोस्तों कंपनी, और ये बायबैक टेंडर ऑफर रूट से होगा। दो तरीके का बायबैक होता है दोस्तों, एक ओपन मार्केट से होता है, एक टेंडर ऑफर रूट होता है। ओपन मार्केट से कंपनी आम लोगों की तरह अपने शेयर खरीदती है मार्केट से, और टेंडर ऑफर रूट से जो बायबैक होता है वो कंपनी शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस खरीदती है। और दोस्तों जो कंपनी ये टेंडर ऑफर रूट से बायबैक कर रही है अजंता फार्मा, तो ये क्या है दोस्तों, हर शेयर का इनने बायबैक प्राइस रखा है 2770 रुपए, यानी कि कंपनी 2770 रुपए के हिसाब से अपने शेयर्स वापस खरीदेगी। और दोस्तों इस वक्त करंट शेयर प्राइस कंपनी का चल रहा मार्केट में 2416 रुपए के आसपास। रिकॉर्ड डेट इसकी 30 मई है, यानी कि 30 मई तक जो इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो यहां पर शेयर्स खरीद सकता है 30 मई तक। अगली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर। शेयर प्राइस फिलहाल इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 254 रुपए के आसपास। 8 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है, और ये बोर्ड मीटिंग बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर होगी। टेंडर ऑफर रूट से करेगी कंपनी या ओपन मार्केट रूट से करेगी, ये हमें 8 मई को पता चल जाएगा। और दोस्तों जो आपको ये वाली वीडियो दिख रही है, जो मैंने आज जिक्र किया जिन स्टॉक्स का, 3 शेयर जो है जो स्टॉक सबमिट करने वाले, एक जो है बोनस देने वाले, जो शेयर जो है वो बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, लेकिन इनके बगैर इस वीडियो में आपको 30-32 कंपनियां ऐसी मिलेंगी जिसमें आने वाले टाइम में ये कंपनियां बोनस शेयर्स इश्यू करने वाली और स्टॉक स्प्लिट के शेयर्स इश्यू करने वाली। इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, दे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।